श्रद्धा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्काई क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। उसी को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हमारा टॉपिक थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें रह गई थी, तो वो आज कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में लैंग्वेज और थॉट के बारे में स्टार्टिंग की थी, मतलब बेसिक बातें बताई थी। आज मैं बताने वाली हूँ कि पियाजे और वाइगोस की इन दोनों के क्या विचार है हमारी लैंग्वेज और थॉट के ऊपर। वैसे अलग अलग, मतलब अगर हमसे भी कोई पूछेगा या फिर किसी से भी कोई पूछेगा, तो हमारे जो विचार होंगे वो इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग ही होंगे। बट कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जो अपने फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, जिस वजह से उनको जाना जाता है, उनको याद किया जाता है। तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहले बात करते हैं पियाजे की। पियाजे ने क्या बोला है? पियाजे बोलते हैं कि थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइंस इट, मतलब जो हमारा विचार है वो भाषा से पहले आया है। मतलब अगर बच्चा जब तक भाषा नहीं सीख रहा है, तब बच्चा छोटा है, तब भी उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। देखो, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है? हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या चीज़ बताई। हम इनको जज नहीं करेंगे कि किसने सही बात बोली और किसने गलत बोली, क्योंकि जो बात मेरे लिए सही हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, या फिर जो आपके लिए सही हो सकती है, हो सकता है मेरे लिए गलत हो। तो ये डिपेंड करता है हर एक किसी की थिंकिंग पर। तो अब हमें इन्हें जज नहीं करना है, इनकी बातों को समझना है कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली। तो हमारे प्याजे जो है वो बोलते हैं कि जो थॉट है, जो हमारा विचार है, जो विचार है वो भाषा से पहले आता है। विचार हमारा भाषा से पहले आता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा विचार है वो भाषा को निर्धारित करता है। मतलब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, अगर जब तक हमें भाषा नहीं आती है तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें तो चल ही रही होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लैक माइंड होगा हमारा, कुछ नहीं चल रहा होगा। जब तक बच्चा बोल भी नहीं पाता, उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ऐसा किसने बोला? ऐसा पियाजे का मानना है। इधर वाइगोस की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ, शुरुआती सालों, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ, शुरुआती सालों में जो भाषा होती है और जो विचार होते हैं वो दोनों स्वतंत्र होते हैं। उन दोनों का कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। भाषा अलग होती है और विचार अलग होते हैं, इनके बाबा स्वतंत्र होते हैं। इनका ये मानना है कि शुरुआती साल में भाषा और जो विचार है हमारे, वो या बालक के शुरुआती सालों में भाषा और विचार इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। बल्कि प्याजे क्या बोलते हैं? प्याजे बोलते हैं हमारे कि जो विचार है वो भाषा से पहले आए, विचार पहले आए। जब तक बच्चे को भाषा नहीं आती होगी, तब तक भी वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो जो हमारे विचार है वो भाषा से पहले आए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ईगो सेंट्रिक स्पीच इज ऑफ नो यूज। देखो, ये ईगो सेंट्रिक स्पीच जो है यह है निजवा, मतलब खुद से जो बातें करता है बच्चा, जो बच्चा खुद से बातें करता है, खुद से बातें कर करके सीखता है। बहुत बार आपने देखा होगा बच्चा जब खेल रहा होगा या फिर कुछ भी कर रहा होगा वो, तो वो खुद से बातें करेगा, बच्चा खुद से बातें करेगा। तो इन्होंने क्या बोला प्याजे ने कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है, जो निजवाक है, देखो प्याजे ने इसी चीज को ईगो सेंट्रिक स्पीच बोला, और जो हमारे वाइगोस की है, इन्होंने सेम चीज को क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच। इन्होंने दोनों की बात सेम ही है, मतलब बात अलग अलग बोली है, पर चीज के लिए, एक ही चीज के लिए दो अलग अलग शब्द इन्होंने दिए, ठीक है? तो जैसे पर्यायवाची नहीं होते वैसे ही से, या फिर समानार्थी शब्द होते हैं हिंदी में, वैसे इन्होंने एक बात के लिए दो अलग अलग शब्दों का यूज किया। तो इन्होंने क्या बोला, ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है, जो बच्चा खुद से बात करता है, जो बच्चा खुद से बात करता है उसका कोई यूज नहीं होता, वो यूजलेस है, कि मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है, उससे बच्चा कुछ नहीं सीखता। बल्कि जो ये हमारे बायोलॉजी है, ये क्या बोलते हैं, ये प्राइवेट स्पीच को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच है, जो निजवाक है, वो बच्चे को क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ये है निजवाक, निजवाक की बात। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि निजवाक की बात कौन करता है, प्राइवेट स्पीच इज डिटरमाइंड बाय, मतलब किसने दी है प्राइवेट स्पीच के बारे में बात, किसने की है। तो हमें क्या करना है, वाइगोस की। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात किसने की है, तो प्याजे ने की है, ठीक है?
प्राइवेट इन्होंने बोला है वाइकोस्की ने कि जो हमारा निज बाग है वो बच्चे को डायरेक्शन देगा, मतलब अगर बच्चा छोटा है और वो कुछ कर रहा है, ये बोला जाता है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं तो वो बच्चे कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते, तो बच्चे क्या है खुद से बात कर करके खुद को समझा रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है कि अच्छा हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, क्या ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे करूँ मैं, ये कुछ भी, मतलब वो खुद से बात कर रहा है। तो इन्होंने बोला है वाइकोस्की ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है प्राइवेट स्पीच को, इन्होंने बोला है कि जो प्राइवेट स्पीच है निज बात है वो डायरेक्शन देती है बच्चे को, बल्कि इन्होंने क्या बोला है ईगो सेंट्रिक स्पीचेस ऑफ नो यूज। प्याजे ने बोला है कि ये जो अहम केंद्रित बात है, अहम केंद्रित बात मतलब खुद से बातें करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी भाषा में अगर बोले तो ये होगा हमारा अहम केंद्रित बात, अहम केंद्रित बात। और अगर इनकी बात करते डायकॉट्स की तो इन्होंने किस चीज पे बल दिया है निज बात पे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है निज बात को कि निज बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए और उसको डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो प्याजे की बात करते हैं, प्याजे ने कहा है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट है संज्ञानात्मक विकास जो है हमारा वो इंटरडिपेंडेंट है लैंग्वेज से, मतलब उसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है बौद्धिक क्षमता है एटीट्यूड है एप्टीट्यूड है ये सब जो डेवलप होते हैं ये इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज से, लैंग्वेज का इनमें कोई रोल नहीं है। ठीक, अब हम इनको यहाँ नहीं बोलेंगे कि गलत है या सही है, ऐसा इन्होंने बोला है तो वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बल्कि जो बायोलॉजी है वो क्या बोलते हैं लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी भाषा है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत एसेंशियल मतलब ज़रूरी है कि उसके बिना नहीं हो सकता, लैंग्वेज के बिना हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, ऐसा वाइकोस्की बोलते हैं। और प्याजे हमारे बोलते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो बच्चे का बौद्धिक विकास होगा वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ऐसे ही होगा लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, वो स्वतंत्र होगा उससे। तो ये हो गया हमारी प्याजे और वाइकोस्की की बात, इन्होंने लैंग्वेज और भाषा के बारे में सॉरी लैंग्वेज और विचार के बारे में भाषा और विचार के बारे में अपने क्या क्या थॉट्स दिए हैं ये उसकी बात होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स दोनों ने जो भी दिए हैं इन्होंने, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या बोलते हैं कि जो हमारा विचार है प्रिसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइजेस, जो हमारा विचार है वो भाषा से पहले आता है और इसको निर्धारित करता है, भाषा से पहले आता है ये इसको निर्धारित करता है, और प्रिसीड्स लैंग्वेज और डिटरमाइज कि लैंग्वेज जब तक नहीं थी जब तक भी बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ विचार तो चल ही रहा था, बच्चा खाली नहीं था, बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं वाइकोस्की ने क्या कहा कि जो शुरुआती पल होते हैं बच्चे के जीवन के या फिर हमारे जीवन के जो शुरुआती पल होते हैं उसमें भाषा और विचार दोनों का कोई संबंध नहीं होता, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो ईगो सेंट्रिक स्पीच को इन्होंने बोला है प्याजे ने, इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ईगो सेंट्रिक स्पीच किसने दी है या फिर किसने बात की है ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में, ईगो सेंट्रिक स्पीच इज रिलेटेड टू, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो किस पर टिक लगाएंगे हम, प्याजे जो अहम केंद्रित बात है वो किसने बात की है उसके बारे में, वो जीन प्याजे ने बात की है अहम केंद्रित बात के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइकोस्की ने जो वहीं पे वाइकोस्की ने प्राइवेट स्पीच को निज वाक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, इन्होंने बोला है कि जो निज वाक है वो बच्चे को डायरेक्शन देता है, जो हमारा निज वाक है प्राइवेट स्पीच है वो बच्चे को क्या करती है डायरेक्शन देती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्वतंत्र बताया है भाषा से जीव प्याजे ने, इन्होंने बोला कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास हो रहा है उसमें भाषा का कोई रोल नहीं है। अगर प्याजे की बात वाइकोस्की की बात करें तो इन्होंने उसका अपोजिट बोला है, इन्होंने बोला है कि जो भाषा है वो ज़रूरी है बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए, बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए जो भाषा है वो हमारी ज़रूरी होती है। तो ये हो गई दोनों की बात, इन्होंने अपने इनके क्या विचार थे भाषा और विचार के बारे में, तो ये बात हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कीनर की बात करते हैं और जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, देखो ये जो प्याजे और वाइकोस्की ये थे हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता जुपिटर वगैरह, कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं रचनावाद, जो हमारे प्याजे और वाइकोस्की ये दोनों क्या है हमारे रचनावाद,
ये हमारे रचना वर्ण। और जो हमारे स्टीनर है वो है हमारे बिहेवियरिस्ट, मतलब हमारे व्यवहार वाले। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछ जाता है। देखो कंस्ट्रक्टिव सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पियाजे इज रिलेटेड टू डैश करके आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें ऑप्शन में दे देगा नेटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बिहेवियरिस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्पीच किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात कर ले कि ईगो सेंट्रिक स्पीच किससे रिलेटेड है, तो वो पियाजे से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज से, ये बात किसने बोली है, तो किसने बोली है हमारे ये पियाजे ने बोली है, जीन पियाजे। जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, यूपीटेट वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है, सीटेट में कम पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करें तो लैंग्वेज इज असेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किसने बोला है, ये हमारे वाइगोत्स्की ने बोला है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जितना भी पार्ट था मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और ऐसा कुछ इसमें ऐसे नहीं है कि हार्ड है याद नहीं कर सकते, तो आप प्लीज इसको याद कर लें क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस पार्ट से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बात करते हैं स्कीनर के बारे में। अब हम स्कीनर के बारे में बात करते हैं। स्कीनर जो थे हमारे बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे। स्कीनर हमारे बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो चिल्ड्रन लैंग्वेज लर्न करते हैं, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट देखो पुनर्बलन की बात की, पुनर्बलन की इन्होंने बात की, रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। मतलब क्या है इनका, इनका मतलब है कि अगर बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो पुनर्वलन से सीखता है, मतलब अगर उसको बच्चे ने कुछ बोला उसको पुनर्वलन मिल गया पीछे से, बच्चे ने कुछ बोला और उसको पीछे से रीइंफोर्समेंट मिल गया, तो क्या होगा, या फिर बोल दिया बच्चे को शाबाश, वेरी गुड, ऐसे वर्ड्स का अगर हमने यूज कर दिया, बच्चा जब लैंग्वेज का यूज करना सीख रहा है तो बच्चे को क्या होगा, वो एक पॉजिटिव वाइब उसके अंदर आ जाएगी और वो बच्चा सीखना शुरू हो जाएगा लैंग्वेज को। तो क्या बोलते हैं स्कीनर, जो बोलते हैं हमारे जो व्यवहारवादी हैं, ये बोलते हैं कि जो बच्चा है वो रीइंफोर्समेंट से सीखता है, पुनर्बलन से वो सीखता है। अगर बच्चे को ऐसे हम भी दिखा दिया तो वो समझ जाएगा कि मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, लाइक का निशान हो गए तो बच्चा सोचेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो इन्होंने बात की है पुनर्बलन की, इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की। ये बोलते हैं कि जो बच्चा है वो इमिटेट करके भी सीखता है, वो बात अभी हम आगे करेंगे। तो मेरी जो बातें स्कीनर ने ये बोला कि जो बच्चा है वो रीइंफोर्समेंट से सीखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इन्होंने ये जो बात है ये किसको बोली, ये इनकी बुक थी वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, इनकी बुक थी वर्बल बिहेवियर, उसमें इन्होंने ये बात की है कि जो बच्चा है वो रीइंफोर्समेंट से सीखेगा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं वो रीइंफोर्समेंट के लिए ही ये जाने जाते हैं, स्कीनर जो है ये पुनर्बलन पे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसी को मतलब बेस मान पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो इन्होंने पुनर्बलन की बात की है कि जो लैंग्वेज है बच्चा जो सीखेगा वो पुनर्बलन से सीखेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नॉम चॉम्स्की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज के, इन्होंने क्या बात की, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब नॉन चॉम्स्की से सीटेट में हर बार क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, मतलब कंपलसरी समझ लो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने बोला है चिल्ड्रन डू नॉट लर्न अ लैंग्वेज बट एक्वायर इट थ्रू एन इनेट डिवाइस। इन्होंने बोला है कि जो बच्चे हैं वो भाषा सीखते नहीं, बच्चे भाषा नहीं सीखते, बच्चे क्या करते हैं इसको एक्वायर करते हैं, बच्चे इसको अर्जित करते हैं, बच्चे इसको सीखते नहीं है, बच्चे इसको अर्जित करते हैं थ्रू एन इनेट डिवाइस। मतलब बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र LAD बच्चे के अंदर होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लैंग्वेज को अर्जित करते हैं, सीखते नहीं,
उनके अंदर एक डिवाइस होती है ऑलरेडी जो उनको हेल्प करती है भाषा के अर्जन के लिए, भाषा को अर्जित करने के लिए वो डिवाइस उन्हें हेल्प करे। देखो एलईडी की बात कही ये इन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलईडी से क्वेश्चन, नॉर्म चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर बार सीटेट, मतलब कंपलसरी ही समझ लो पूछा ही जाता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन्होंने ये बात बोली कि चिल्ड्रन जो है वो भाषा को सीखते नहीं है, ये भाषा को एक्वायर करते हैं, चिल्ड्रन भाषा को अर्जित करते हैं सीखते नहीं, बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट थ्रो एंड किस चीज से सीखते हैं, थ्रो एंड इन डिवाइस, मतलब उनके अंदर एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, डिवाइस होती है बच्चे के अंदर उससे वो एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को। LAD प्रोड्यूस ए फाइनाइट ऑफ ग्रामर रूल्स, मतलब फाइनाइट सेट ऑफ जो हमारा LAD है वो एक फाइनाइट सेट प्रोड्यूस करता है ग्रामर रूल्स का जो कि यूनिवर्सल होते हैं और बच्चा उनको एक्वायर करता है, बच्चा उनको अर्जित करता है। ये बात हमारी बोली है नॉर्म चॉम्स्की। नेक्स्ट बात करें तो LAD जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, जो LAD है वो मोस्ट इफेक्टिव रहता है हमारे 5 ईयर्स तक की एज में, जो बोलते भी है ना कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी। तो ये उसी चीज़ पे इन्होंने फोकस किया कि जो हमारा LAD है मोस्ट इफेक्टिव है 5 साल तक की एज के, LAD हमारा मोस्ट इफेक्टिव है 5 साल तक की एज। तो ये बात हो गई हमारी। स्किनर ने बोला कि बच्चे जो है रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं, बच्चों को अगर पुनर्बलन मिल जाए तो बच्चे भाषा को जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन चॉम्स्की, तो नॉन चॉम्स्की ने हमारा बोला है कि जो बच्चा है वो भाषा सीखता ही नहीं है, मतलब जितने भी अभी तक हम देख रहे थे सब यही बात कर रहे थे कि भाषा सीखता है बच्चा, भाषा सीखता है, तो इन्होंने क्या बोला, बच्चा भाषा सीखता नहीं, बच्चा भाषा जो है वो एक्वायर करता है, बच्चा भाषा सीखता नहीं है वो एक्वायर करता है। कैसे एक्वायर करता है, उसके पास एक इनेट एबिलिटी होती है, मतलब जन्मजात शक्ति होती है या फिर बोल सकते हैं कि जन्मजात क्षमता होती है उसके अंदर लैंग्वेज को एक्वायर करने की, भाषा को अर्जित करने की उसके अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, देखो इनेट डिवाइस, इनेट मतलब जन्मजात, इनेट मतलब होता है जन्मजात, डिवाइस यंत्र बोल सकते हैं उसको या फिर इनेट एबिलिटी भी हम उसको बोल सकते हैं कि जन्मजात क्षमता होती है हमारे अंदर भाषा को एक्वायर करने की। देखो नॉन चॉम्स्की का कहना एक तरह से सही भी है, क्योंकि बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है उसको भाषा सिखाई नहीं जाती, वो अपनों को बड़ों को देख कर फैमिली में वो खुद से सीख लेता है, खुद से बातें बोलने लगता है। पर एक बात ये भी सच है कि बच्चे को जब छोटा होता है उसको बोला जाता है पानी के लिए बेटा पानी, ऐसे मतलब बेटा मम्मी बोल देते हैं पानी के लिए बच्चे को, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कोई गलत है या कोई सही, इसमें सबकी ही बातों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबकी बातें महत्वपूर्ण है, किसी एक को भी हम ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है इन्होंने गलत बात बोली। ठीक है, तो सभी की बातें इम्पोर्टेंट हैं, सभी की बातें हमें याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी की बातें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर LAD की, तो LAD जो है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जित यंत्र, भाषा अर्जित यंत्र इसको बोलेंगे हम, भाषा अर्जित यंत्र। ठीक है, बात यहाँ तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेटिविस्ट है, बिहेवियरिस्ट है या कंस्ट्रक्टिविस्ट है, उन्होंने अलग अलग इनके बारे में क्या विचार दिए हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि एक ही कोई पर्सन बिहेवियरिस्ट होगा, बहुत सारे पर्सन हैं, तो उनके सबके कॉमन जो विचार हैं वो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसने कौन सी बात बोली। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो स्किनर ने एक बात बोली थी अपनी बुक में बोली थी बर्बल बिहेवियर, बट अगर आपसे पूछा जाता है बुक का नाम दे दिया जाए बर्बल बिहेवियर किसकी बुक है, तो हम टिक कर देंगे कि ये स्किनर की बुक है। ठीक है, या फिर अगर बोल दें कि लैंग्वेज के बारे में रीइंफोर्समेंट के बारे में स्किनर ने अपनी कौन सी बुक में बात की है, तो बर्बल बिहेवियर में इन्होंने इस बारे में बात की है। ठीक है, ये नॉन चॉम्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो प्याजर वाइकोस्की की थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना भूल रही थी आपको कि जो वाइकोस्की है वो बात करते हैं SCL सोशल कल्चर
और लैंग्वेज कि जो चलो ये एक थ्योरी है वाइकोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी उसी में बात करते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं जो हमारे नेटिविस्ट हैं और इंटेलेक्टरिस्ट हैं तो इन्होंने क्या क्या बातें बोली ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम बिहेवियरिस्ट की बात करते हैं जैसे हमारे ऊपर स्किनर हो गया पेंड्यूला हो गए ये जो होते हैं हमारे व्यवहारवादी थे ये हमारे बिहेवियरिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बातें बोली है इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि जो बच्चे हैं लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट इज रिइंफोर्समेंट एंड इनहिबिशन। अभी मैंने आपको बताया कि स्किनर ने क्या बात बोली थी कि स्किनर ने रिइंफोर्समेंट की बात की और स्किनर भी कौन थे बिहेवियरिस्ट थे। तो बिहेवियरिस्ट क्या बात करते हैं बिहेवियरिस्ट बात करते हैं कि जो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं वो किस चीज से सीखते हैं। बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं वो पुनर्वलन से सीखते हैं और इमिटेशन से सीखते हैं अनुकरण। इमिटेशन होता है हमारा अनुकरण। अनुकरण क्या होता है मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बहुत बार समझाया है कि जो अनुकरण होता है वो होता है बच्चा जब बच्चा छोटा होता है तो वो बड़ों को देख के उसके जैसे बिहेव करता है मतलब बच्चा नकल करने की कोशिश करता है बच्चा इमिटेशन करता है ठीक है। छोटा बच्चा इमिटेशन करता है कि मतलब अगर मम्मी को कुछ काम करते हुए देखेगा तो वो भी वही काम करेगा कि वो मम्मी की तरह बिहेव करेगा। छोटा बच्चा जो होता है वो पापा की तरह बिहेव करता है छोटा बच्चा बहुत बार अपने बड़े भाई बहन की तरह बिहेव करेगा कि भैया ऐसे करते हैं दीदी ऐसे करती है तो हम भी ऐसे करेंगे। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे करते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये उन्होंने बोला है बिहेवियर्स जो है जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को जो है वो सीखते हैं बड़ों से भी सीखते हैं वो इमिटेट भी करते हैं लैंग्वेज को। अगर उनकी फैमिली में कोई बड़ा कुछ भी बोल रहा है या फिर कोई ऐसा वर्ड बोल दिया उसने गलत वर्ड बोल दिया या फिर कोई अच्छा वर्ड बोल दिया तो बच्चा अच्छा जितने भी सीखता है जितना गलत सीख लेता है। तो ये बोला जाता है कि जो बड़े लोग हैं उनको बच्चों के सामने कुछ भी या तो इधर उधर की बातें या फिर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर इमिटेशन की जो होती है वो आदत होती है बच्चों के अंदर इमिटेशन की आदत होती है वो अनुकरण करते हैं बड़े बच्चों को देख के वो वैसे ही सीखते हैं ठीक है। और मैंने बताया कि रीइन्फोर्समेंट होता है जो बिहेवियरिस्ट है उन्होंने बोला है कि पुनर्वलन करते हैं बच्चे अगर उन्हें कोई वर्ड उन्होंने बोला है और हमने उनको बोल दिया कि शाबाश वेरी गुड ऐसे वर्ड्स का अगर हमने यूज कर दिया तो बच्चे क्या करेंगे बच्चे को पुनर्वलन मिलेगा उसे खुशी होगी कि मतलब हमने सही वर्ड बोला और हमारे जो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं उन्होंने हमें शाबाश बोला तो उन्हें खुशी मिलेगी तो बच्चा वही चीज़ सीख जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे बिहेवियरिस्ट कौन थे हमारे जैसे स्किनर हो गए पेंड्यूला हो गए तो इन्होंने ये बात बोली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेटिविस्ट थे नेटिविस्ट जैसे हमारे नॉर्म चॉम्स्की इन्होंने क्या बात बोली है इन्होंने LAD के बारे में बात की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बोलते हैं कि जो हमारा LAD है बायोलॉजिकली प्रिपेयर्स इन्फेंट्स टू लर्न रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू यूनिवर्सल ग्रामर मतलब यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है इन्होंने। देखो नॉर्म चॉम्स्की में LAD की बात हो यूनिवर्सल ग्रामर की बात हो तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी बात किसने की है तो हम पिक करेंगे कि नॉर्म चॉम्स्की ने इनके बारे में बात की। इन्होंने बोला है कि जो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये बायोलॉजिकली प्रिपेयर करती है बच्चों को इन्फेंट्स मतलब नवजात शिशुओं को टू लर्न रूल्स ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के रूल्स थ्रू यूनिवर्सल ग्रामर यूनिवर्सल ग्रामर जो सभी के लिए सेम होती है। तो वही बात इन्होंने बोला है कि हमारे अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज को अर्जित करने की। हम लैंग्वेज को सीखते नहीं है जो हमारी LAD है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो बायोलॉजिकली हमें ऐसे प्रिपेयर कर देती है जैविक रूप से हमें ऐसे प्रिपेयर कर देती है कि जो हम लैंग्वेज के रूल्स हैं जो यूनिवर्सल ग्रामर के रूल्स हैं वो हम सीख जाते हैं वो हम अर्जित कर लेते हैं ठीक है। हम एनवायरमेंट से अर्जित करें या फिर किसी भी चीज़ से हम अर्जित करें एनवायरमेंट से ही अर्जित करेंगे ऑब्वियसली। तो इन्होंने बोला है कि हम अर्जित करते हैं हम भाषा को सीखते नहीं हैं हम भाषा को अर्जित करते हैं और उसमें कौन हेल्प करता है हमारा LAD यूनिवर्सल सॉरी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ठीक है। भाषा अर्जित भाषा अर्जित किया रेडी होगा हमारा भाषा अर्जित किया तो इन्होंने बोला है कि जो LAD है ये हमें बायोलॉजिकली ऐसे प्रिपेयर करती है कि हम भाषा को अर्जित कर सकें जो हमारे यूनिवर्सल ग्रामर
फाइनाइट रूल्स एंड ग्रामर के वो हम सीख सके, वो हमारे अंदर आ सके। तो ये बात आईआईटी की बात कौन करते हैं? नॉर्म चॉम्स्की। और ये क्या थे? ये नेटिव स्कूल। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंट्रैक्टिविस्ट कौन थे? जैसे पैरोट्स के ऊपर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज है, जो हमारी अंदर की क्षमताएं हैं, आंतरिक क्षमताएं हैं हमारी, वो और जो एनवायरमेंट है। देखो नॉर्म चॉम्स्की की बात करते हैं हमारी आंतरिक क्षमताओं की, बायोलॉजिकली जैविक रूप से बात करते हैं, और जो हमारे ये है वायरस, ये बात करते हैं हमारे इनर कैपेबिलिटीज या इनर कैपेसिटीज की, जो हमारे आंतरिक क्षमता है उनकी बात करते हैं, आंतरिक क्षमताओं की बात करते हैं हमारे वायरस। तो ये बोलते हैं कि आंतरिक क्षमता है और जो हमारा वातावरण है, जो एनवायरमेंट है और हमारा एनवायरमेंट एक साथ वर्क करते हैं, जो हमारा वातावरण है और हमारी आंतरिक क्षमता है वो एक साथ आके वर्क करती हैं, जिससे बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीख जाता है। तो इन्होंने बोला सोशल कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो सामाजिक पक्ष है वो इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक पक्ष जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी अंदर की एबिलिटीज हैं, जो हमारी जैविक रूप से क्षमताएं हैं, सिर्फ उन्हीं का रोल है लैंग्वेज। इन्होंने बोला है कि दोनों इम्पोर्टेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है और जो हमारी इनर कैपेबिलिटीज है और इनर कैपेसिटीज है, वो दोनों एक साथ आके वर्क करती हैं, तब जो होती है वो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है अच्छे से। ठीक है, तो ये बात हो गई। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिहेवियरिस्ट जैसे स्किनर होगा या वेंडिना होगा, इन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चा है लैंग्वेज सीखता है रीइन्फोर्समेंट से, अनुकरण से बच्चा भाषा सीखेगा। ठीक है, अगर बच्चे को ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और रीइन्फोर्समेंट लगभग सेम से ही है, वर्ड्स अलग अलग दिए गए हैं इनको, बट जो इनकी मीनिंग है वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि बच्चा अनुकरण करता है, अपने से बड़ों को देख के या अपने टीचर को देख के बच्चा बातें सीखता है, या फिर अपने पेरेंट्स को देख के अपने पड़ोस में जाएगा वो तो नई नई बातें सीखेगा। तो क्या होता है, वो उसके अंदर अनुकरण की एबिलिटी होती है, मतलब वो बड़ों को देख के सीखता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये इन्होंने की है बिहेवियरिस्ट में कि रीइन्फोर्समेंट से सीखेगा बच्चा लैंग्वेज या फिर इमिटेशन से सीखेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेटिविस्ट जैसे चॉम्स्की हो गए, इन्होंने क्या बोला, जो एक एलईडी डिवाइस है हमारे अंदर जो हमें बायोलॉजिकली प्रिपेयर करती है लैंग्वेज के रूल्स सीखने के लिए, जो यूनिवर्सल ग्रामर के रूल्स होते हैं वो सीखने के लिए हमें इंटरनली जो प्रिपेयर होते हैं वो एक हमारे अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा अर्जन यंत्र, तो वो हमें प्रिपेयर करता है, बच्चों को प्रिपेयर करता है ग्रामर के रूल्स सीखने के लिए, जैविक रूप से तैयार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रैक्टिविस्ट जैसे होगा हमारे बायोलॉजी, इन्होंने बोला है कि इनर कैपेबिलिटीज तो है ही, पर उसके साथ साथ जो है हमारा वातावरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा सामाजिक पक्ष है उसको हम भूल नहीं सकते, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। ठीक है, जो हम भाषा सीखते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा सामाजिक पक्ष। अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि किसी एक की बात सही है और किसी एक की बात गलत है, क्योंकि इसमें सभी की बातों को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि सब अपनी जगह कहीं ना कहीं सही माने गए, क्योंकि सब ने एक्सपेरिमेंट्स करके ही अपनी बातें प्रूव की, तो सबकी बातों को इम्पोर्टेंस दी गई है। हम लोगों को ये याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा, जैसे एलईडी के बारे में पूछ लेगा, यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की है, या फिर सोशल इनर कैपेबिलिटीज और एनवायरमेंट दोनों को एक साथ वर्क करके लैंग्वेज हम सीखते हैं, ये बात किसने बोली, तो हम बोल देंगे कि ये वायकोस्की ने बोली। तो ये सारी बातें हो गए। नेक्स्ट अब छोटी छोटी बातें हो रही हैं, जैसे फोनीम वगैरह, सीमेंटिक्स, ये सब एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, लैंग्वेज के साथ साथ ही जुड़े हुए हैं ये टॉपिक्स भी। तो छोटी छोटी बातें हो रहे हैं वो कम्प्लीट करो। अब हम बात करते हैं फोनीम के बारे में। फोनीम क्या होता है? ध्वनि। फोनीम को हिंदी में बोलेंगे ध्वनि। ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम फोनीम, ध्वनि बोलते हैं इसको। देखो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा ये चे, पे, थे, ये वाले जो ध्वनि होंगी, ये वाली छोटी छोटी जो आवाजें होंगी, इसकी जो मतलब जो ध्वनि है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, इसको और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते, इसको और ज्यादा तोड़ के हमें कोई वर्ड नहीं मिलेगा, कोई अक्षर नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फोनीम बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारी ध्वनि होती है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। ये फोनेटिक्स की बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक तो ये फोनी मतलब जो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और हर एग्जाम में आ जाते हैं। टीचिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा फोनी होता है वो सबसे छोटी इकाई होगी हमारी ध्वनि, जैसे चै पै थै, मतलब एक एक जो अक्षर होते हैं इनको और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते, ये टूट नहीं सकते और ज्यादा। तो ये हो गया हमारा फोनी, दैट इज ध्वनि। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा मॉर्फिम। मॉर्फिम को हिंदी में बोलेंगे लूपिंग। मॉर्फिम लूपिंग ये होती है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा की सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट, मतलब सबसे छोटे ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग निकल सके। उससे अगर हम उस वर्ड को और ज्यादा तोड़ देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो कैप हो गया, सन हो गया, बार, बैट, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स है इनको अगर हम और ज्यादा तोड़ दें, देखो सी को अगर हम अलग कर देंगे तो ए भी बच जाएगा, इसका कोई मीनिंग होता है, कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर इसे हम यहाँ से तोड़ते हैं तो अगर इधर वाले भी सी है इसका भी कोई मीनिंग नहीं होगा, ओनली बी बच जाएगा। तो ये मोबाइल वर्ड्स हैं, ऐसे अर्थपूर्ण वर्ड्स जिनको और ज्यादा अगर हम तोड़ देंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो सबसे छोटे ऐसे अर्थपूर्ण वर्ड जिनका मीनिंग बन सकता हो लैंग्वेज में, भाषा में जिनका मीनिंग बन सकता हो, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मॉर्फिम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फोनीम होता है, फोनीम होता है सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि की, सबसे छोटी इकाई होती है। जो अक्षर होते हैं छोटे छोटे उन्हें हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, वो क्या होंगे हमारे फोनीम। नेक्स्ट बात करें मॉर्फिम की, तो मॉर्फिम ऐसे हमारे शब्द होंगे, ऐसे अर्थपूर्ण शब्द होंगे, ऐसी अर्थपूर्ण इकाई होंगी जिनको अगर हम और ज्यादा तोड़ दें तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो अर्थहीन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, इनको अगर ऐसे तोड़ देंगे तो यूएन बन जाएगा, यूएन का कोई अर्थ नहीं होता। अगर यू से तोड़ते हैं तो एस यू बनेगा और एन अलग हो जाएगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये सारे ऐसे हैं, इनको अगर तोड़ दें तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये सबसे छोटी ऐसी इकाई है लैंग्वेज में, भाषा में, जिनको और ज्यादा तोड़कर ये अर्थहीन हो जाएगी, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंटेक्स, वाक्य विन्यास। ये क्या होता है, सिंटेक्स तो बच्चे पढ़ते भी हैं, मतलब ग्रामर वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज या फिर रूल बेस्ड एस्पेक्ट, मतलब नियम के अनुसार जो वाक्य बनते हैं उसको बोलते हैं हम सिंटेक्स। जैसे एग्जाम्पल सब्जेक्ट, कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, यही तो होता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हमारा सेंटेंस है तो वो सही होता है, और अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत है तो हमारा गलत होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। अगर ये हम देखें तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई इज हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और अगर बात की बात देखें तो ये हमारा हो गया सारा ऑब्जेक्ट। वैसे अगर हम देखते हैं तो मेन बात हो जाएगी, पर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ बाहर से स्ट्रक्चर को समझना है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारी हो गई वर्ब, और जो जितना भी बात का बच गया ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारा इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना हुआ है तो हमारा सेंटेंस सही है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसा आ जाएगा, ही गोइंग इज टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ आ जाता है और हमारा ऑप्शन आते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह से गलत है, इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है, किस तरह की मिस्टेक है। तो उसमें चार ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंटेक्स के बेसिस पे ये गलत है, वाक्य विन्यास जो है इसका वो गलत है, तो आपको इसी पर टिक करना। क्योंकि देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हमारे मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, दैट इज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है। और हमने क्या सीख रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। किस बेसिस पे गलत हुआ है, ये हमारा सिंटेक्स गलत हो जाएगा, इसका सेंटेंस का सिंटेक्स की बेसिस पे ये गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें सिंटेक्स से देखने के लिए, वाक्य विन्यास से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें इस टाइप से मिलेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फोनीम होती है हमारी सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट बात करेंगे तो फोनेटिक्स, मैंने बता दी स्टडी ऑफ साउंड, बहुत बार पूछ लेता है एक नंबर पर क्वेश्चन की व्हाट इज फोनेटिक्स,
तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि की जो बोलता है उसको स्टडी जो होती है ध्वनि की। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉर्पिंग, जिसको हिंदी में बोलता है रूपिंग। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण यूनिट, सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जो होगी वो होगी हमारी मॉर्फिम। मतलब इसके बाद उसका कोई अगर तोड़ दे तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो ये होगी हमारी सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई, मतलब अर्थपूर्ण इकाई, तो वो बोलेगा मॉर्फिम। नेक्स्ट बात करते हैं सिंटैक्स की, वाक्य विन्यास मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और रूल बेस्ड एक्सप्रेशन, इसके बेसिस पे नियम के अनुसार जो वाक्य बनते हैं वो उसको बोलेंगे हम वाक्य विन्यास। नियम के अनुसार वाक्य पढ़ना ही वाक्य विन्यास कहलाए, ठीक है। मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करना है। अगर एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और वो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं है हमारा, तो दैट इज उसमें जो मिस्टेक है वो किस तरीके से गलत है, वो जो सेंटेंस है वो सिंटेक्स के बेसिस पे गलत है, वाक्य विन्यास उसका गलत है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा और एक दो बातें और बचती हैं, वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं, दो तीन और छोटे छोटे वर्ड्स इसमें बचे हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक होता है हमारा सिमेंटिक्स। व्हाट इज सिमेंटिक्स, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अर्थ विज्ञान। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। ये क्या होता है, जो हमारे अर्थ होते हैं उनका अर्थ है, जो एक लैंग्वेज में हमारे अर्थ होते हैं उनका अर्थ है, वर्ड्स और फ्रेजेस का अध्ययन। शब्दों के अर्थों का ये वैसे ऐसे बहुत ज्यादा तो ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, इसमें छोटी छोटी याद करने वाली चीजें हैं। तो ये जो हमारी सिमेंटिक्स होगी क्या होगी, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, एक भाषा में अर्थों का अध्ययन, शब्दों के अर्थों का अध्ययन, फ्रेजेस हो सकती है कुछ, उनका जो अध्ययन होता है, उनके जो अर्थ निकल के आते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो हमारा बोला जाता है सिमेंटिक्स, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। अर्थ विज्ञान, देखो इसमें पता ही चल रहा है, इसमें ही पता चल रहा है अर्थ विज्ञान, अर्थ की बात चल रही है, मतलब अर्थ के अध्ययन की बात चल रही है, तो क्या होगा हमारा अर्थ विज्ञान। तो ये इजी है याद करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि याद किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, हमारा व्यवहारिकता। प्रैग्मेटिक्स स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मीनिंग, मतलब हम किस तरीके से कौन सी बात अपनी कहाँ किस तरीके से बोलेंगे, हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो ये होता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। जैसे अगर कोई हम बात बोल रहे हैं फ्रेंड्स में बोल रहे हैं तो ऐसे ही कुछ भी फ्लो में बोल देंगे ऐसे ही, और अगर हम किसी बहुत बड़े इंसान के सामने बैठे हैं तो हम उससे प्लीज करके बात करेंगे, या फिर उससे बहुत अच्छे वे में बात करेंगे, बहुत रेस्पेक्टफुल बात करेंगे। और फ्रेंड्स में कि कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, अरे ये कर दे, अरे वो कर दे, कुछ भी बोल सकते हैं। बट जो अगर हम किसी टीचर के सामने बैठे हैं तो वो बहुत रेस्पेक्ट से बात करेंगे। तो ये होता है हमारा प्रैग्मेटिज्म, कौन सी बात हम किस तरीके से कहाँ बोल रहे हैं, ये उसकी स्टडी होती है। तो ये हमारा हो गया प्रैग्मेटिज्म, कि हमें कहाँ क्या बात किस तरीके से बोलते हैं, तो इसके बारे में जो अध्ययन होता है वो होती है हमारी प्रैग्मेटिज्म। जैसे मम्मी के सामने तो कुछ भी बोल दिया, पर पापा के सामने थोड़ा लगेगा कि ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा वे में बोलना है, या फिर कोई और बड़ा इंसान कहीं आ जाए घर पे हमारे, तो उसको हम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, उसके सामने बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ कैसे बोलो, ठीक है। स्टडी ऑफ हाउ कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मीनिंग, मतलब उस बात का अर्थ किस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ यूज कर लो। देखो प्रैक्टिकल यूज और प्रैक्टिकल यूज बेस्ड ऑन सिचुएशन, प्रैक्टिकल यूज बेस्ड एज पर सिचुएशन और बेस्ड ऑन सिचुएशन, मतलब जो हमारी सिचुएशन है उस टाइम पे वो हम यूज कैसे कर रहे हैं अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, वो किस में आएगा हमारा, वो आएगा हमारा प्रैग्मेटिज्म। एज अ टीचर हम बच्चों के सामने भी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो उनके ऊपर गलत इफेक्ट है। तो ये बात होती है कि बच्चे के सामने हम किस तरीके से कौन सी बात किस वे में बोल रहे हैं, तो ये सब किस चीज़ के अंदर आएगी, आएगी हमारी प्रैग्मेटिस्ट के अंदर, व्यवहारिकता, इसको हिंदी में बोलेंगे व्यवहारिक। नेक्स्ट बात करते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है, इंटोनेशन होती है वेरिएशन इन द वॉइस, या फिर राइज और फॉल इन द पिच। जो हम बात कर रहे हैं, बात करते करते कोई जैसे एकदम से तेज से बोलने लगता है, अरे क्या कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, मेरी जो पिच है, मेरी जो वॉइस है उसमें राइज हो,
और अगर हम धीरे से बोलने लगे अरे नहीं ऐसे नहीं तो क्या हो गया, फॉल हो गया। और एकदम से तेज से बोले अरे क्या कर रहे हो तो क्या होगा, ये राइस होगा और फॉल। जो ये राइस और फॉल होगा हमारे टोन में, हमारी वॉइस में, उसको हम बोलते हैं इंटोनेशन। जो राइस और फॉल होगा हमारे टोन में, हमारी बात करते हुए कुछ बातें होती हैं जो तेज से बोली जाएंगी, कुछ बातें होती हैं जो धीरे से बोली जाएंगी, सॉफ्टली भी बोली जाएंगी। तो वही जो बढ़ रही है बातें, मतलब जो राइस हो रहा है हमारी पिच में, जो हमारी बात हो रही है उसमें, और जो एकदम से फॉल हो रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा, इंटोनेशन। राइस और फॉल इन द पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन। बस इसमें और कुछ ऐसे समझने वाली चीज़ है नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषाई निर्धारण, इसको बोल सकते हैं भाषाई निर्धारण। निर्धारण भी हो सकता है इस पर सिचुएशन, इसको क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइक मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। लैंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन का मतलब होगा कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, वो हमारे विचारों को डिटरमाइन करती है। बहुत टाइम से हम भाषा और विचार के ऊपर ही बात कर रहे हैं, फाइनल जो रिजल्ट है वो ये है कि जो हमारी भाषा है वो हमारे विचारों को निर्धारित करती है। जिस तरीके की हम लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब हमारे दिमाग में उसी तरीके के विचार चल रहे होंगे, तो तभी हमारे जो मुंह से वो भाषा निकल रही है। जैसे हम भाषा यूज करेंगे हम बता सकते हैं कि सामने वाले के थॉट्स क्या होंगे, जिसके जैसी उसकी लैंग्वेज होगी उसको देखकर, लैंग्वेज को देखकर उसके थॉट्स को निर्धारित किया जा सकता है, उसके विचारों को निर्धारित किया जा सकता है। तो दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कि भाषा जो होती है वो हमारे विचारों को निर्धारित करती है। लैंग्वेज डिटरमाइंस योर थॉट्स और अवर थॉट्स। एक बार इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिमेंटिक्स होता है अर्थ विज्ञान, जैसे कि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि अर्थ का विज्ञान, जो हमारे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं लैंग्वेज में, उसका जो अर्थ निकल के आता है, उसका जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं हम सिमेंटिक्स। नेक्स्ट बात करें प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में कौन सी बात हमें कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बोलनी है, किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करनी है वो बात, उसकी जो स्टडी होगी, उसका जो अध्ययन होगा वो हमारा होता है प्रैग्मेटिक्स। अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, कुछ बातों को एक्सप्रेस करने में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं, उनको रखते हुए हमें अपनी बात किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करनी है, वो सब किस में आ जाएगा हमारा, प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंटोनेशन। जो हमारी बात में राइस और फॉल होता है, जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारी पिच चल रही है, एक रेगुलर पिच में हम बात कर रहे हैं, उसमें एकदम से राइस होना और फॉल होना, ये क्या कहलाएगा हमारा, इंटोनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषाई निर्धारण के बारे में। तो लैंग्वेज डिटरमाइंस योर थॉट्स, जो भाषा होती है वो आपके विचारों को निर्धारित करती है। आपका टॉपिक खत्म हो चुका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।